धरती पर एलियंस की मौजूदगी पर छिड़ी बहस के बीच वैज्ञानिकों ने एक और खुलासा किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार चंद्रमा पर एलियंस की सेना मौजूद हो सकती है। दरअसल नासा की ओर से कुछ फोटो जारी किए गए हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि फोटो में जो वस्तु दिख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं यह एलियंस की सेना का ठिकाना हो। अंतरिक्ष के रहस्य को जानने के लिए अध्ययन कर रहे खगोलविदों का कहना है कि जिस तरीके से चंद्रमा पर एलियंस होने के प्रमाण मिल रहे हैं, वह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। फोटो में चंद्रमा पर खंडहरों के बीच एक पुराना टैंक दिख रहा है। यह एक आयताकार आकार का है। यूएफओ विशेषज्ञों का दावा है कि यह एलियंस की सेना का टैंक हो सकता है। नासा की फोटो को देखकर हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो रहा है कि क्या वास्तव में एलियंस हैं? अगर एलियंस की मौजूदगी अंतरिक्ष में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियंस धरती पर आक्रमण करने का विचार कर रहे हो। एलियंस की मौजूदगी के अभी तक जो भी प्रमाण मिले हैं, उससे लगता है कि धरती पर बसे इंसानों से उनकी टेक्नोलॉजी काफी बेहतर है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा पर एक बहुत पुराना टैंक दिखा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी से प्राप्त विस्तृत चित्र को सिक्योरिटम 10 एक YouTube चैनल द्वारा विश्लेषण किया गया, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को परखता है। इस विश्लेषण के अनुसार टैंक के आकार का ऑब्जेक्ट प्राचीन खंडहरों की तरह दिखता है। टैंक की तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है कि यह बहुत अच्छी तरह से एक अजीब रूप का आकार बोल्डर हो सकता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर दिखने वाले टैंक से फोटो की सामान्यताएं काफी मिलती जुलती हैं। फोटो का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी तस्वीरें बिखरे हुए वस्तु के क्षेत्र में टैंक को दर्शाती हैं, जो धातु को देखने या सही कोणों के साथ मशीनरी के बिट्स की तरह हैं। यहाँ तक कि एक डिस्क आकार का ऑब्जेक्ट भी सतह से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। नासा से प्राप्त चंद्रमा के नए फोटो को देखने के बाद वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि यह एलियन का टैंक हो सकता है, जो अंतरिक्ष में किसी खतरे से निपटने के लिए बनाया गया होगा। और यह भी हो सकता है कि यह टैंक कोई पुरानी सभ्यता जो कभी चांद पर बसती होगी उसका हो सकता है, जो आज पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड और इस दुनिया का रहस्य जानना शायद कभी भी इंसान के वश में नहीं होगा, और कुछ राज ऐसे हैं जो हमेशा के लिए राज ही रह जाएंगे। चंद्रमा धरती से 380,000 किलोमीटर दूर धरती का प्राकृतिक उपग्रह है, जो धरती की परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरी करता है। माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण 450 करोड़ साल पहले धरती और किसी मंगल ग्रह के जितने बड़े चीज के टकराने से उत्पन्न हुई धूल और मिट्टी से हुआ। कहते हैं कि 1959 से 1972 के बीच 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा, लेकिन विख्यात कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार माना जाता है कि अमेरिका ने चंद्रमा पर कोई भी मिशन नहीं किया और सारी वीडियोस किसी फिल्म स्टूडियो में शूट की गई थीं। लेकिन कुछ शोधकर्ता और विचारक एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि ना सिर्फ मून लैंडिंग नकली थी, बल्कि चंद्रमा ही नकली है, और बहस करते हैं कि यह एक होलोग्राम है जो षड्यंत्रकारी सरकारी विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। पर क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? क्या ऐसा संभव है कि जिस चंद्रमा को हम जानते हैं वो अस्तित्व में ही ना हो? यह सब शुरू होता है साल 2013 में, जब एक YouTube चैनल Crow777 ने एक वीडियोस डालने की सीरीज शुरू करी, जिसमें उसने यह दावा किया कि जो चंद्रमा हम देखते हैं वह वैसा है नहीं। एक साल तक चंद्रमा पर नजर रखते हुए उसने एक वीडियो फिल्माया जिसका नाम था लूनर वेव्स, जिसमें साफ साफ चंद्रमा की सतह पर लहरें देखी जा सकती थीं। उसके अनुसार यह लहरें दर्शाती हैं कि यह चंद्रमा एक होलोग्राम है। उसने कहा
यह ऊर्जा के मुड़ने से पैदा होने वाली लहरें हैं जो सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उत्पन्न होती हैं। उसने आगे बताया कि उससे तीन लोग मिलने आए थे जिनके पास भी ऐसे ही खुफिया दस्तावेज थे और उन्होंने उसके शक को सत्य बताया कि वह अकेला नहीं है जिसको चंद्रमा के नकली होने पर यकीन है। प्रख्यात कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट डेविड आइक ने कहा कि मानव जाति को ऐसे कुछ सबूतों के आधार पर चंद्रमा के अस्तित्व पर धोखा नहीं देना चाहिए। आइक ने कहा कि चंद्रमा एक असली ग्रह ही है जो उनकी वेबसाइट पर जाहिर की गई सोच के विपरीत है, जो बताती है कि कुछ षड्यंत्रकारी विभाग मानव जाति को भ्रमित करके उन्हें असल दुनिया से दूर रखकर उन्हें आने वाले समय में अपना नौकर बनाना चाहती है। डेव जॉनसन्स, एक दूसरे यूट्यूबर, ने यह दावा किया कि उन्होंने एक गुप्त रहस्यमय उपग्रह की खोज की है जिसका पूरे विश्व में कहीं भी जिक्र नहीं है और यही उपग्रह इस षड्यंत्रकारी थ्योरी को और मजबूत बनाता है। उनका मानना है कि इसी उपग्रह से चांद की आकृति बनाई जाती है, लेकिन इस बात पर एक समस्या उत्पन्न होती है कि 1940 से पहले तो होलोग्राम का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तब चंद्रमा कैसे दिखता था? लेकिन विचारक दावा करते हैं कि 20वीं शताब्दी से पहले चंद्रमा अस्तित्व में ही नहीं था और षड्यंत्रकारियों ने दस्तावेजों के द्वारा हमें यह मानने पर मजबूर किया कि चंद्रमा करोड़ों वर्ष पुराना है। एक और थ्योरी के अनुसार चंद्रमा पहले सच में अस्तित्व में था, पर अब उसे या तो छिपा दिया गया है या बदल दिया गया है इस होलोग्राफिक तस्वीर से। आइक ने इस दावे को झूठा साबित करने के लिए काफी सारी दलीलें दी हैं। उन्होंने बताया कि इस होलोग्राम का झूठा दावा करने वाले इल्यूमिनाटी सोसाइटी के हो सकते हैं, जो पूरी दुनिया को भ्रम में डालकर यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चंद्रमा का अस्तित्व ही नहीं है, जिससे कि चंद्रमा पर होने वाले सारे मिशन के खर्चे बच सकें और वह उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ अगर यह बात सत्य हुई कि चंद्रमा होलोग्राम से छुपाया गया है, तो पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है वह भी इस चीज पर शोध करें। और यह होलोग्राम सच हुआ तो हो सकता है कि इसे बनाने का कारण यह हो सकता है कि असली चंद्रमा खत्म हो गया हो या उस पर एलियन सभ्यता रहती हो और उसे छुपाने के लिए उसके आगे यह होलोग्राम बनाया गया हो, जिससे कि पूरी दुनिया में कोई घबराए नहीं। लेकिन काफी चीजें अभी भी रहस्य हैं कि यदि चंद्रमा खत्म हो गया है तो धरती पर समुद्र में चंद्रमा के प्रभाव से उठने वाली टाइडल लहरें कैसे अभी भी उठती हैं। आज भी कई विचारक चंद्रमा के सत्य होने का ठोस प्रमाण मांगते आए हैं, पर उन्हें ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं और वह यही मानते हैं कि कोई रहस्यमय सरकारी विभाग जरूर है जो हमसे चांद का रहस्य जरूर छुपा रहा है। एक वेबसाइट revisionism.nl जो मैड रिवनिस्ट नाम के कोई विचारक चलाते हैं, उन्होंने $100,000 का ऑफर दे रखा है कि यदि कोई व्यक्ति चांद के अस्तित्व में होने का ठोस प्रमाण ले आए तो उसे वह यह इनाम मिलेगा, पर आज तक यह इनाम कोई नहीं जीत पाया है। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।